खुशी रो, आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। मायके गई पत्नी को लेने के लिए जब पति उसके मायके पहुंचा, तब वहां पर जाके उसकी एक ऐसी सच्चाई सामने आई कि दूल्हे के ही होश उड़ गए। तो चलिए जानते हैं ये पूरा मामला क्या है, मेरे साथ बने रहिए। पर उससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जानकारी अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हुए जरूर जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। अमशाह जिले से हमारे सामने ये मामला आ रहा है, जहां पर छेदा लाल नाम के एक शख्स के साथ बहुत ही बड़ी वाली धोखाधड़ी हुई है। आप लोगों को पता है कि शादी काफी ज्यादा पवित्र त्योहार, पवित्र एक मान्यता मानी जाती है और सब लोग इसको काफी ज्यादा इज्जत देते हैं, और शादी करने के बाद एक जोड़े को समाज में इज्जत मिलती है और समाज उसको एक्सेप्ट करता है, और ये इसीलिए हमारे पुराने बुजुर्गों ने बनाया हुआ है और उसी से परिवार आगे बढ़ता है और लोग इसी चीज के इस रिश्ते की काफी ज्यादा इज्जत करते हैं। पर ऐसे कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इस चीज को अपना बिजनेस बना लेते हैं। छेदा लाल के साथ बहुत ही बड़ा धोखा हुआ है। हम आपको बता दें कि छेदा लाल की एक्चुअली पहले शादी हो चुकी थी और उसके दौरान ही उसकी पत्नी की मौत हो गई, और मौत के पहले ही उसके पास एक बच्ची थी और वो बच्ची की देखभाल तो अच्छे से कर रहा था, पर बीच बीच में उसको प्रॉब्लम हो रही थी बिकॉज वो बच्ची की देखभाल भी नहीं कर पा रहा था अच्छे से, और उस दौरान वो अपना काम भी नहीं कर पा रहा था। तो काफी सारे लोगों ने उसको बोला है कि शादी कर ले। 4 साल के बाद एटलीस्ट उसके पास एक फ्रेंड आया, उसके फ्रेंड ने बोला कि उसकी एक चचेरी बहन है जो कि कवारी है, उसके साथ वो उसकी शादी करवा देगा। तो वो मान गया, और जब उसने उस लड़की को देखा तब उस लड़की को देखने के बाद उसने ये सब चीजें मान ली, और उसने शादी के बदले उसके फ्रेंड ने, छेदा लाल के फ्रेंड ने उससे 38,000 भी लिया, और 38,000 लेने के बाद उसने शादी वगैरह भी की। और शादी करने के बाद जब वो वापस लौट आया, उसकी तबीयत कुछ खराब थी, तो इसीलिए उसके परिजनों ने, लड़की के परिजनों ने उसको वहां पर रख लिया और बारात वापस लौट आए बिना बहू के। और उसी दौरान जब वो छेदालाल वापस अपनी पत्नी को लेने के लिए गया, तब वहां पर बेडरूम में वो ही लड़का और वो लड़की वहां पर बैठे थे दोनों अकेले। और जब जाके बात की गई, तब छेदालाल ने जब बात की कि अब मैं अपनी पत्नी को वापस लेने आया हूँ, तब उन दोनों ने गोल गोल बात घुमाई और छेदालाल वापस लौट आया। और जब छेदालाल वापस लौटा तब उस दौरान वो कुछ दिन फिर रुका और फिर चला गया, और जब उसने वहां पर जाके देखा तब वहां पर कोई भी नहीं था। दोनों जो घर थे वो खुले थे और उसके अंदर ना कोई सामान था और ना दोनों थे, वो दोनों फरार हो चुके थे। फिर उसके बाद छेदालाल ने नजदीकी पुलिस स्टेशन में गया और इनके खिलाफ उसने रिपोर्ट दर्ज करवाई, और अभी पुलिस वालों से उसने गुहार लगाई है कि जल्दी से जल्दी इनको पकड़ा जाए, क्योंकि उसको आंसर चाहिए कि इसके साथ इतनी बड़ी धोखाधड़ी क्यों करने की जरूरत थी, क्योंकि वो पहले ही अपनी लाइफ से काफी ज्यादा परेशान है और उसके साथ कोई और आदमी आके, कोई और औरत आके उसको और ज्यादा परेशान करके चली गई है, और सिर्फ पैसे की वजह से और उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी है। तो आप ही बताइए, जो इतने इनोसेंट लोग होते हैं वो लोग मतलब कि कहां पर जाए, और इनोसेंट लोगों के साथ ही धोखा बहुत ज्यादा होता है। कभी कभार ऐसा फील होता है कि इनोसेंट नहीं बनना चाहिए, धोखा ही हम लोगों को कर देना चाहिए, और उसके बाद ऐसे लगता है कि फिर हम भी तो उसी कैटेगरी में आ जाएंगे। पर कुछ लोग एक्चुअली इनोसेंट ही बने रहते हैं और वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं कर सकते, पर उनके साथ बहुत धोखा होता है। पर ऊपर वाला देखता है, बोलते हैं कि ऊपर वाले की लाठी में आवाज है। तो आप क्या बोलना चाहेंगे इसके ऊपर, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते हुए जाइए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, बाय, टेक केयर, नमस्कार।